मैं डॉक्टर नृपेंद्र वीर सिंह, शिक्षा संकाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। आज हम चर्चा करेंगे स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखने का एक तरीका, किस तरीके से अनुदेशात्मक उद्देश्य को लिखा जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उद्देश्यों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य उन्हें माना जाता है जो कि बहुत अधिक व्यापक होते हैं और जिनको किसी एक कक्षा के शिक्षण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्य उन्हें माना जाता है, वह उद्देश्य अधिक व्यावहारिक होते हैं और उन्हें एक किसी कक्षा शिक्षण के दौरान उनकी प्राप्ति की जाती है। मीनिंग ऑफ द स्किल, इसमें सबसे पहले मीनिंग मानी गई कि वेल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी उद्देश्य जो है हमारा, वह पूर्णतया सुस्पष्ट होना चाहिए। सुस्पष्ट से तात्पर्य उसको देखते ही या पढ़ते ही यह प्रतीत हो जाए कि इसमें किस व्यवहार परिवर्तन की बात की जा रही है। दूसरा, इसकी विशेषता मानी गई एडिक्वेट विथ रिस्पेक्ट टू लर्निंग आउटकम्स। जो हमारे अधिगम परिवर्तन हैं उनके सापेक्ष वह सापेक्षित होना चाहिए। तीसरी विशेषता मानी गई रिलेवेंट टू द कंटेंट, मतलब हमारी जो पढ़ाई जाने वाली या उद्देश्यों को लिखने वाली जो विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु जिस प्रकरण हेतु चयनित की गई है उस संपूर्ण विषय वस्तु से पूर्ण रूप से संबंधित होनी चाहिए। अगली विशेषता मानी गई इसकी एडिक्वेट विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेंट आउटलाइन, मतलब जिस विषय वस्तु का चयन किया जा रहा है उस विषय वस्तु की सीमा परिधि के अंतर्गत वह संपूर्ण जानकारियाँ या विषय वस्तु आनी चाहिए। वेल स्टेटेड से तात्पर्य है कि जो उद्देश्यों को इस प्रकार से लिखा जाए कि उनसे दो अर्थ या किसी प्रकार का कोई संशय या कोई उसकी गलत व्याख्या ना कर पाए। कहने का तात्पर्य, पढ़ते ही सभी लोगों को उससे जो संबंधित सार निकले वो सभी को एक जैसा ही लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर व्यक्ति को उसके संदर्भ में अलग अलग धारणा बनानी पड़े। लर्निंग आउटकम्स से तात्पर्य है कि जो हमारे तीन उद्देश्य माने गए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचलात्मक, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, और हमारे जो अधिगम के स्तर हैं, तो हमें चूंकि इन्हीं अधिगम स्तरों में हुए परिवर्तनों के आधार पर शिक्षण की प्रभावशीलता की जांच करनी होती है। इसलिए उद्देश्यों को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उद्देश्य हम निर्मित करें वह उद्देश्य सभी क्षेत्रों से संबंधित होने चाहिए, मतलब संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालनात्मक। रिलेवेंट टू द कंटेंट, मतलब जो भी विषय वस्तु का हम चयन कर रहे हैं वह प्रकरण के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस प्रकरण का हमने चयन किया है उस प्रकरण से जो हम पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का कोई संबंध ना रहे या उस प्रकरण से बाहर की कोई चीज़ को चयनित कर लिया जाए। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय वस्तु का चयन किया जा रहा है वह पूर्ण रूप से प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। द कंटेंट आउटलाइन से तात्पर्य है कि जो भी हम उस प्रकरण के लिए विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं वह उस प्रकरण के अनुकूल संपूर्ण बिंदुओं को अपनी सीमा परिधि के अंतर्गत रखे। तात्पर्य यह है कि उस प्रकरण विशेष से संबंधित संपूर्ण जानकारी को उस शिक्षण के विषय वस्तु के अंतर्गत होना चाहिए। एक सामान्य सा उदाहरण इसका दिया जा सकता है, जैसे अगर ये कहा जाए टू टीच द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस उद्देश्य को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें लगता है कि टू टीच द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, चूंकि यह कार्य जो है शिक्षक का नहीं, व्यवहार परिवर्तन हमें सदैव विद्यार्थियों में देखना है, इसलिए यह उद्देश्य अपने आप में उपयुक्त या सही नहीं माना जा सकता है। सही उद्देश्य किस प्रकार लिखा जाना चाहिए उसका उदाहरण यह है, द पीपल विल बी एबल टू स्टेट इन राइटिंग द थ्री लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विदाउट एनी रेफरेंस मटेरियल। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी तीन नियम जो कि परावर्तन के नियम हैं उनको बिना किसी जानकारी के बता सकेंगे या लिख सकेंगे या उनकी जानकारी दे सकेंगे। इन उद्देश्यों के लिए एक निर्धारित कसौटी है, उन कसौटियों के आधार पर ही हम इन उद्देश्यों की जांच करते हैं। तो सबसे पहली कसौटी है
स्पेसिफिकेशन ऑफ द लर्नर, मतलब शिक्षार्थी का विशिष्टीकरण। दूसरी विशेषता मानी गई स्पेसिफिकेशन ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स, छात्र का निष्पादन का जो अर्थ हो वह इस रूप में हो कि उसको व्यवहारगत रूप में लिखा जा सके, इस रूप में उसको विशिष्टीकृत किया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता मानेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंडीशन इन विच द लर्नर परफॉर्मेंस अकर्स, मतलब उन परिस्थितियों का जिक्र होना चाहिए जिन परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा हो। चौथी विशेषता मानी गई स्पेसिफिकेशन ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर, मतलब उस न्यूनतम स्तर का उल्लेख उद्देश्य के अंतर्गत होना चाहिए जो कि कक्षा के हर एक विद्यार्थी में प्राप्त किया जा सके। तो पहले हम कसौटी को देखते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ द लर्नर। यहाँ पर जो हमारा स्पेसिफिकेशन से तात्पर्य या विशिष्टीकरण से तात्पर्य यह है कि कोई भी उद्देश्य की शुरुआत हमेशा विद्यार्थी या कक्षा या छात्रों या छात्राओं या शिक्षार्थियों इत्यादि के द्वारा किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द पीपुल विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब विद्यार्थी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में अंतर कर सकेंगे। अगर हम इसको इस रूप में लिखते टू शो टू पीपुल द वेरियस फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यूजिंग अ मैप, तो यह अपने आप में एक गलत उदाहरण माना जाता, क्योंकि इसमें टू शो टू पीपुल इसका तात्पर्य यह निकल रहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ना कि विद्यार्थियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन आएगा। इसलिए स्पेसिफिकेशन ऑफ द लर्नर कसौटी को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही उद्देश्य को लिखना चाहिए। दूसरी कसौटी स्पेसिफिकेशन ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इससे तात्पर्य यह है कि जो भी विद्यार्थी का निष्पादन है वह निष्पादन उद्देश्यों में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसको कि जिसका कि अवलोकन प्रत्यक्ष रूप में किया जा सकता हो, इस रूप में न प्रस्तुत किया जाए कि उसका प्रत्यक्ष रूप में अवलोकन ही ना किया जा सके, मतलब ऐसे कार्यों या व्यवहारों का जिक्र होना चाहिए जो कि मनुष्य द्वारा या शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष रूप में उनकी जाँच की जा सकती हो। जैसे कि अगर हम सामान्यतः थिंकिंग, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इन शब्दों के प्रयोग हमें कहीं यह स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि यह परिवर्तन उनमें विद्यार्थियों में हुआ कि नहीं हुआ। एक अच्छे कसौटी के अनुकूल उदाहरण इसका यह हो सकता है द स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड द 3 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यह उपयुक्त नहीं माना जाएगा इस उद्देश्य के अनुसार, चूंकि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के अनुकूल नहीं लिखा गया है। इसलिए इसके लिए उपयुक्त उदाहरण होगा द स्टूडेंट विल बी टेल एन एग्जाम्पल ऑफ देयर ओन फॉर ईच ऑफ 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यह अपने आप में एक इसका उपयुक्त उदाहरण माना जाएगा और शिक्षक इसका प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकता है या ये व्यवहारगत परिवर्तन प्रत्यक्षता अवलोकित किया जा सकता है। सामान्यतः कुछ ऐसे वर्ब्स या क्रियाएं मानी गई हैं जो माना गया है सामान्य रूप में प्रत्यक्षता अवलोकित की जा सकती हैं, जैसे आइडेंटिफाई, नेम, रीअरेंज, ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट, डिस्क्राइब एक्सेट्रा। तीसरी विशेषता स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंडीशन इन विच द लर्नर परफॉर्मेंस अकर्स, कहने का तात्पर्य है यहाँ कि ऐसी अर्थपूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो कि पूर्ण रूप में कक्षा परिस्थिति के अंतर्गत प्राप्त की जा सकें। इसके अंतर्गत सबसे उपयुक्त उदाहरण हो सकता है कि फॉर ए लिस्ट ऑफ प्लेनेट्स द लर्नर विल बी एबल टू लोकेट द 5 नियरेस्ट टू द सन, मतलब विद्यार्थियों को सूची दिए जाने पर विद्यार्थी यह बता सकेंगे कि पृथ्वी से नज़दीक सबसे 5 ग्रह कौन से हैं। चौथी विशेषता स्पेसिफिकेशन ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर, चूँकि कक्षा में अनेक व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थी होते हैं इसलिए प्रत्येक शिक्षण के दौरान यह निर्धारित करना आवश्यक है कि न्यूनतम किस स्तर तक विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। यही एक अच्छे उद्देश्यों की विशेषताएं मानी जाती हैं। धन्यवाद।